अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं स्पैगेटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। सोया सॉस, चिली सॉस, ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के इसको मैरिनेट करके रख दूँगी मैं। फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब हम सॉस रेडी करेंगे। सोया सॉस, चिली सॉस, ऑस्टर सॉस, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, शुगर, इसको मैंने मिक्स कर दिया था। टमाटो केचप और चिली गार्लिक केचप भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। पैन में ऑयल गरम करेंगे, ग्रीन अनियन का वाइट वाला पार्ट ऐड करेंगे और थोड़े से चॉप किए हुए गार्लिक। इसको अच्छा सा सौते करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन से ना हो जाए। इसमें सारी कट की हुई वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। वेजिटेबल्स को मैं इतना कुक करूंगी कि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। वेजिटेबल्स आपके ऊपर हैं कि आप कौन कौन सी पसंद करते हैं, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे जो अच्छी लगती थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। मुझे मैक्रोनी और स्पेगेटीज में यही वाली वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। आप लोग को जो अच्छी लगती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। स्पाइसेस आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। देख सकते हैं ये अच्छा सा कुक हो चुकी हैं, तो मैं इसको एक साइड में कर दूँगी। फिर दोबारा से हम पैन में ऑयल डालेंगे और जो मैरिनेट की हुई चिकन थे उसको डाल के इसमें अच्छे तरीके से उसको कुक करेंगे कि इसका जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए चिकन का। आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से कुक हो चुका है। अब जो मैंने सब्ज़ी फ्राई करके रखी थी उसको हम एक पॉट के अंदर ऐड कर देंगे। पैगेटीज भी मैंने बॉईल करके रखी हुई थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। चिकन जो रेडी करके रखी थी वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। लास्ट में जो हमने सॉस रेडी करके रखा हुआ था वो इसके अंदर सब ऐड कर देंगे और अगेन इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसको कुक होने के लिए रख दूंगी स्लो फ्लेम पे। मज़ेदार सी स्पैगेटीज आपके सामने हैं।